के स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स के बारे में, और प्रॉब्लम नंबर 6 हम करेंगे, और पेज नंबर आप 14 के ऊपर जाइए, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा ये टॉपिक। और ये प्रॉब्लम नंबर 6 जो है, ये एक मसला है, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये मसला है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है आपको बताया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं हम, उसका एल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भाई कोई आपसे पूछे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की रेसिपी क्या है या उसका एल्गोरिदम क्या है, तो उसका मतलब ये कि इस प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपके पास कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो हमने इसका एल्गोरिदम लिखना है, एल्गोरिदम का मतलब इसकी रेसिपी लिखनी है कि भाई कैसे हम जो है वो रेसिपी क्या होती है, उसमें स्टेप्स दिए हुए होते हैं कि पहला काम आपने करना है, फिर दूसरा काम ये करना है, फिर तीसरा काम ये करना है। तो इसी तरह हमने इसकी रेसिपी लिखनी है, इसका एल्गोरिदम लिखना है। ठीक है, रेसिपी क्यों लिखनी है, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और रेसिपी किस चीज़ की होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की रेसिपी होगी। ठीक है जी, तो हमने इसका एल्गोरिदम लिखना है। तो अब ये प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है कि रीड मार्क्स एम जी, आपका जो सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कीबोर्ड से रीड करेगा। कीबोर्ड रीड करने का मतलब ये है कि कीबोर्ड से इनपुट लेगा। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर कीबोर्ड से इनपुट लेगा, यानी कीबोर्ड की प्रेस का इंतजार करेगा, क्योंकि कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करे, ठीक है जी, जाहिर बात है की वो कौन सी प्रेस करेगा, वो कोई बेसिकली कोई नंबर प्रेस करेगा। ठीक है जी, एंड प्रिंट दैट एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। तो जी, आपका सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स ये प्रिंट करता है। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट है, यानी कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है जी, और टीचर ने ग्रेड्स लगाने हैं। अब टीचर ने ग्रेड लगाने, तो उसको ग्रेड लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ तो सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करते, हम मैनुअली ग्रेड चेक करते हैं, ठीक है, स्कूल में। लेकिन ये ऐसा सॉफ्टवेयर आप अपने बनाना है कि जो टीचर्स की हेल्प करें। ठीक है, टीचर क्या करेंगे, ग्रेड्स इनपुट करेंगे, ग्रेड्स डालेंगे अपने कीबोर्ड की मदद से, और ये सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा, ठीक है जी, प्रोसेसिंग करेगा उसके ऊपर, और उस ग्रेड उस नंबर्स के अगेंस्ट जो है उसको ग्रेड्स जो है वो शो कर देगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आप ये देखें कि आपके पास नीचे क्वेश्चन में ये दिए गए हैं, ठीक है जी। अब आपको ये कहा गया है कि जी अगर आपके सॉफ्टवेयर को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आपने लिखना है, सॉफ्टवेयर के लिए आपने रेसिपी लिखनी है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपने किस तरह का बनाना है। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि आप स्टूडेंट के ग्रेड्स इंटर करें और वो खुद स्टूडेंट का नंबर इंटर करें और फिर वो खुद बखुद उसका ग्रेड बता दे सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो आपने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है जी, तो ये आपको क्राइटेरिया दिया गया। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे, तो स्कूल वालों ने आपको एक क्राइटेरिया दिया है कि भाई अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स, ये एम जो है ये मार्क्स को शो कर रहा है, ठीक है जी, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 के इक्वल हों या 80 से ज़्यादा हों, ठीक है, एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन, एंड अगर किसी दो चीज़ों के बीच में आ जाए तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू होंगी तो फिर ये बात चलेगी, ठीक है, ये काम होगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 से के इक्वल हों या 80 से ज़्यादा हों और 100, ठीक है, 100 के इक्वल हों या 100 से लेस हों, यानी 80, यानी कहने का मकसद, इन अदर वर्ड्स 80 और 100 इनके दरमियान वाले नंबर हों और 80 और 100 भी शामिल हों उसमें, ठीक है, तो इतने अगर स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स 80 आते हैं तो जाहिर बात है, या उसके 100 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट के मार्क्स 100 हो गए, उसने 100 मार्क्स लिए, तो टीचर ने कीबोर्ड से इनपुट किया 100, ठीक है, तो अब जाहिर बात है जो 100 मार्क्स है वो 80 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 80 से ग्रेटर तो है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो जो मार्क्स है 100, वो 100 से लेस तो नहीं है, लेकिन 100 के इक्वल तो है। ठीक है जी, ये जो डैश का साइन है ये इक्वलिटी को शो करता है, और ये जो साइन है, ठीक है, ये लेस देन को शो करता है, और ये वाला साइन जो है वो ग्रेटर देन को शो करता है। तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स 80 और 100 के दरमियान हो या 80 या 100 हो, तो फिर उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए। किसी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 70 के इक्वल हों, ठीक है, और या 70 से ज़्यादा हों और साथ ही में 80 से लेस हों, इस रेंज में हों, 70 के इक्वल होने चाहिए या 70 से अगर ग्रेटर हों उसके और 80 से लेस हों, 80 से लेस हो, तो इस रेंज में अगर स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, उसको ग्रेड सॉरी इस पहले को ग्रेड A1 मिलेगा और इसको ग्रेड मिलेगा ग्रेड A। अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 60 के इक्वल हों या 60 से ज़्यादा हों,
कोई भी स्टूडेंट मतलब कोई भी स्टूडेंट है उसके मार्क्स 60 के इक्वल है, 60 या 60 से ज़्यादा है, ठीक है, और 70 से उसके कम हो, 70 से उसे कम हो, तो इस रेंज में अगर किसी के नंबर आते हैं तो उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए? उसको ग्रेड बी मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो ये ग्रेड बी मिलेगा इसको। मैं अपने रेजर को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा जी, तो उसको ग्रेड बी मिलना चाहिए। तो किसी के मार्क्स जो है 50 से ज़्यादा हो या 50 के इक्वल हो, ठीक है, और 60 से कम हो, तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा? उसको ग्रेड सी मिलेगा, ठीक है जी। इसी तरह फर्दर 40 से ज़्यादा हो या 40 के इक्वल हो या 50 से कम हो, यानी इस रेंज में हो, 40-50 के रेंज में हो, ठीक है ना, 50 से लेस होने चाहिए उसके, ठीक है, तो ये इसके जो इसको ग्रेड मिलेगा ये ग्रेड डी मिलेगा। और सिमिलरली आप बाकियों के भी जो है वो ग्रेड ऐसे आएंगे, ठीक है जी। तो ये आपने ये आपको ये एक प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है, ये किसने दी है? फॉर एग्जांपल आपके स्कूल ने आपके प्रॉब्लम दी है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको ये प्रॉब्लम दी है स्कूल वालों ने कि भाई हमारे टीचर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाए, हमारे टीचर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कीबोर्ड के जरिए जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर उसमें स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करता है, अगर वो 80 मार्क्स इंटर करता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर उस स्टूडेंट को ग्रेड A1 जो है वो अलॉट कर दे। अगर वो स्टूडेंट जो है, अगर टीचर जो है वो 70 या फॉर एग्जांपल कोई टीचर जो है इस केस में 75 इंटर करता है, तो 75 देखें 70 और 80 के दरमियान में आते हैं, ठीक है, तो 75 अगर इंटर करता है कीबोर्ड से तो उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए? ग्रेड ए मिलना चाहिए। अगर कोई टीचर जो है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ग्रेड जो है इंटर करता है 69, तो 69 60 और 70 के दरमियान आता है, तो उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए? ग्रेड बी मिलना चाहिए। तो इस तरह आपका सॉफ्टवेयर वर्क करना चाहिए। और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्या शो होना चाहिए? कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक तो ये हो होना चाहिए कि आप जो इनपुट कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट के मार्क्स इंटर कर रहे हैं, वो शो होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। दूसरा ये कि जो उसका रिजल्ट है, यानी रिजल्ट क्या है, अगर आप स्टूडेंट के मार्क्स 80 इंटर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो स्टूडेंट का ग्रेड क्या होना चाहिए? A1 होना चाहिए। तो स्क्रीन के ऊपर A1 शो होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो A1 है। तो आपने अब ये जो प्रॉब्लम है समझ लिया है, इस प्रॉब्लम को आपने समझ लिया, अब आपने इसका एल्गोरिदम लिखना है, इसकी रेसिपी लिखनी है इस सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो प्रॉब्लम है इसके लिए आपने रेसिपी लिखनी है, और फिर उसके बाद रेसिपी लिखने के बाद हम फिर कोडिंग करते हैं, ठीक है जी। एक और चीज़ भी करते हैं, उसको हम कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है जी, उसमें हम जो जो फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं। ओके जी, तो अब यहाँ पर जो है पहले तो आपने ये करना है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्लानिंग द सोल्यूशन, तो पहले प्लानिंग होगी। अभी मैं एल्गोरिदम नहीं लिख रहा, ठीक है, अभी ये तो मैं एक्स्ट्रा स्टेप पे लिख रहा हूँ, प्लानिंग द सोल्यूशन, ठीक है। इसका एल्गोरिदम से कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप प्लानिंग द सोल्यूशन का जो स्टेप है ये लिखें, ठीक है जी। तो अब पहले पहले प्लानिंग कर हम प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे इस मसले को हल करेंगे, ठीक है जी। तो अब पहला जो काम क्या होगा, पहला हम इस तरह करते हैं कि कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, ठीक है जी। इनपुट करेंगे हम किसे लेंगे, क्या लेंगे इनपुट? हम मार्क्स इनपुट लेंगे, यानी मार्क्स कीबोर्ड से हम मार्क्स इनपुट लेंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा कि उस मार्क्स जब इनपुट हो जाएंगे तो फिर प्रोसेसिंग होगी, मतलब कंप्यूटर समझेगा कि आपने क्या कंप्यूटर के अंदर फीड किया है, और अगर नंबर अगर नंबर फीड किया है तो फिर वो ज़ाहिर बात है देखेगा कि भाई वो नंबर किस रेंज में आ रहा है, 0 और 33 के रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आ रहा होगा तो फेल कर देगा स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग करेगा, तो चेक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, किताब में आपके लिखा हुआ है चेक इन विच रेंज, इन विच रेंज मार्क्स, बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ, मार्क्स फॉल्स। आप बाकी किताब से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आउटपुट जब प्रोसेसिंग हो जाएगी, जब पता चल जाएगा कंप्यूटर ये मार्क्स को कंपेयर कर लेगा, तो जो रिजल्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट फेल हुआ हुआ है, तो वो रिजल्ट जो है जो ग्रेड है वो क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है ग्रेड ऑन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन लिखते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन लिखते हैं। भाई मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा, मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। जब लंबी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर उसको अपलोडिंग में मसला होता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को कुछ दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अभी ये ऑलमोस्ट जो है वो 9 मिनट्स हो चुकी है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट काम जो है हम एल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है जी। और एल्गोरिदम के लिए आपको पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जो है वो देखना है, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो पार्ट 2 की तरफ चलेंगे जी। इस यहाँ पे वीडियो को हम क्लोज करते हैं और पार्ट 2 यहीं से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी।